जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली आपकी एक बिग अपडेट निकल के आ रही है सेकंड काउंसलिंग को लेकर, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा डाउट था। तो फाइनली आपकी डेट्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई है सेकंड राउंड की, ठीक है। आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं आपको इस वीडियो में और डिटेल्स में आपसे बात करने वाला हूँ, कैसे आपको अपग्रेड का अलॉटमेंट आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कितनी फी लेके जानी है, अपग्रेड की क्या स्लिप थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कौन सी स्लिप मिली थी, क्या कैसे आपको प्रोसेस करनी है, ऑल डिटेल्स में आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं सेकंड राउंड को लेकर। तो भाई, जो भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल पर, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको एग्री जर्नी पर मिलती रहती है। या आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्देश, तो आपको सारी जानकारी इसमें दी गई है, निर्देशों को पढ़ना है अपने को। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय में चयन करने के उपरांत निर्धारित दस्तावेजों का सत्यापन, मतलब जिनने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाए हुए थे, वही यहाँ पे जो है सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओनली जिनने आपके फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे ना, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्लिप मिली होगी उसको जरूर आप संभाल के रखना। अपग्रेड की भी आपको स्लिप मिली होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी स्लिप मिली होगी, उसको जरूर जो है आपको संभाल के रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपके पास नहीं होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सीट लॉक के लिए 5,000 रुपए का जो आंशिक भुगतान है वो आप अभी करना पड़ेगा आपको। जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है उनको नहीं करना है, ठीक है। जिनको सेकंड राउंड में अलॉट होना है उनको यहाँ पे 5,000 रुपए जो है क्रिप्स ऑनलाइन पर जाकर अपनी सीट लॉक करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपग्रेड भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को सेकंड राउंड में कॉलेजेस मिलेंगे, तो इन बातों को आपको याद रखना है। ये आपकी डेट स्पेशल मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री एंड बीटेक। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी नहीं दी है, मतलब ये दोनों प्रोसेस आपकी नहीं होने वाली, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, ओनली यहाँ पे आपका सीधा अलॉटमेंट आएगा, अपग्रेड का भी रिजल्ट साथ में आएगा, ठीक है। आप डेट यहाँ पे देख सकते हो 31 तारीख से 2 तारीख के बीच में बीएससी एग्री हॉर्टी फॉरेस्ट्री एंड बीटेक सभी के अपग्रेड का रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी सीट लॉक की डेट इन्होंने दे रखी है, किस डेट को आपको 31 से 2 के बीच में सीट लॉक करवानी है, मतलब आपका जो है यहाँ पे 3 तारीख के बीच में सारी प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट हो जानी है। कब आपको कॉलेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके जो है डेट इन्होंने मेंशन की है कि 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनकी फोटोकॉपी लेकर कॉलेज जाना है, ठीक है। कट ऑफ भी आपका रिलीज किया जाएगा सेकंड राउंड का, जैसे फर्स्ट राउंड का फेज का कट ऑफ आया था, कुछ इसी टाइप से आपका सेकंड फेज का भी कट ऑफ आएगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अपग्रेड का आपको एक और बात बता देता हूं मैं। अपग्रेड का भी आपको मैंने बताया ना, जैसा कि आपका जो है जिन भी स्टूडेंट को सेकंड फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, उन सभी स्टूडेंट को सेकंड राउंड में मिलने के चांसेस है। जो भी आपके 1-2 नंबर कट ऑफ के आसपास होंगे उनको सभी को अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अपग्रेड का भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में है कि सर अपग्रेड का अलग से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपग्रेड का आपका साथ में रिजल्ट आएगा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनने एडमिशन करवा लिया है कॉलेजेस में फिर अपग्रेड का फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको ओनली अपनी जो अपग्रेड की स्लॉट मिली है उस स्लॉट को लेकर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। और अपग्रेड में अगर जैसे किसी को मंदसौर मिला था, उसको अपग्रेड उसने करवाया तो उसको खुरई मिल गया है, बालाघाट मिल गया, तो आपको वो अपग्रेड में जो आपको स्लिप मिली थी अपग्रेड की, वो स्लिप लेके आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जो आपको अलॉट होगा। अब आपको मंदसौर जाने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फीस को लेकर आपको खुरई कॉलेज जाना पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं, इनको जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पन्ना कॉलेज का कोई भी अभी अपडेट नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पन्ना कॉलेज को लेकर भी डाउट था, तो कोई भी अपडेट नहीं है, उसको सेकंड राउंड में भी ऐड नहीं किया गया था। मैंने आपको बताया था इसकी अलग से आपकी काउंसलिंग होगी, हो सकता है मेरिट बेस पे हो, ये सारी जानकारी अभी वेट करेंगे, कुछ जानकारी ग्वालियर निकालता है आप सभी के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एग्री जर्नी ग्रुप है टेलीग्राम को, वहां पे कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।